तो यार अगर कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी आप खरीद रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यार गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, या फिर गाड़ी के टायर तो नए हैं पुराने हैं, या फिर उसमें इंजन का काम तो नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या चेक करनी है, ये जो इसकी यहाँ रबड़ की बैंड आती है, इस रबड़ की रिम को आपको मतलब थोड़ी सी टाइट है, आपको हटाना है। और ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही ना, ये सिर्फ कंपनी से ही आती है। अगर आफ्टर मार्केट गाड़ी पलटी खाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो यहाँ पे आपको जॉइंट मिलेंगे या फिर यहाँ पे आपको रस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड, जैसे आपको चारों डोर्स चेक करने हैं, अगर डोर्स में अगर आफ्टर मार्केट कभी किसी डोर में काम आया हो डेंटिंग पेंटिंग का, तो डोर में आपको कुछ इस तरीके की फिनिश दिखेगी, जबकि कंपनी फिटेड डोर्स में आपको कुछ इस तरीके की फिनिश दिखेगी। थर्ड चीज़ जो कि आपको इंजन में चेक करनी है, ये जो ऑयल का पाइप है इसको निकाल के आपको इंजन स्टार्ट करके एक्सेलरेट करना है। अगर इससे ऑयल के छींटे बाहर आते तो इसका मतलब है कि यार इंजन में कुछ ना कुछ काम है, एक बार चेक करवा लो। डीजल गाड़ी में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन पेट्रोल में नहीं आने चाहिए। फोर्थ चीज़ आपको चेक करनी, ये जो चीज़ है ये है गाड़ी के सस्पेंशन की, इसको हटाना है और इसको चेक करना है। ये जो बोल्ट है इस पर कलर लगा होगा, ये कंपनी फिटेड अगर सस्पेंशन चेंज नहीं हुआ होता है तो ही ये कलर यहाँ पे लगा हुआ आता है। फोर्थ चीज़ आपको चेक करनी, काफ़ी सारे डीलर्स आपको बोल देंगे गाड़ी के टायर तो बिल्कुल नए हैं, तो आपको क्या चेक करना है, गाड़ी के टायर्स में कोड लिखा रहता है यहाँ पे 16-23, यानी एक साल में 52 महीने होते हैं, उसमें से ये 16वें महीने में 23वें ईयर में बनी है, यानी कि ये अप्रैल 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये टायर 6 महीने पुराना है। तो ये कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं गाड़ी के अंदर किसी भी सेकंड हैंड गाड़ी को ख़रीदने से पहले।